नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 मार्च से होने वाले बदलाव को लेकर। हमारे जीवन में हर पल हर समय कुछ न कुछ बदलाव होता है। ऐसे में हमारे दिनचर्या पर इसका प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से कुछ न कुछ असर जरूर होता है। ऐसे में आइए जानते हैं 1 मार्च से होने वाले बदलाव के बारे में। इंडियन पोस्ट वसूलेगा चार्ज। IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए क्लोजर चार्जेज लेना शुरू कर दिया है। अगर आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता है तो आपको इस चार्ज का भुगतान करना होगा। यह चार्ज है ₹150। इस पर GST आपको अलग से देना होगा। आपको बता दें कि बैंक की ओर से यह नियम 5 मार्च 2022 से लागू कर दिया जाएगा। ATM में कैश भरने का नियम। बैंकों में ATM में कैश भरने के लिए नियम मार्च में बदलने जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंकों को ATM में कैश भरने के लिए केवल लोकेबल कैसेट के इस्तेमाल को लागू करने की अंतिम तिथि को जो है बढ़ाकर मार्च 2022 कर दिया था। वर्तमान में अधिकांश ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन में नगद धन को ओपन कैश टॉप अर या फिर स्टॉप पर भी मशीन में कैश डालने के जरिए भरा जाता था। ATM में नगद डालने के मौजूदा सिस्टम को खत्म करने के लिए RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ATM में कैश रिप्लेसमेंट के समय केवल लोकेबल कैसेट का ही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पेंशनर की छूट जो होगी वो खत्म करने जा रही है। पेंशनर के लिए 28 फरवरी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख है, यानी कि 1 मार्च से ये सरकार की ओर से दी गई छूट खत्म कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पेंशनर निरंतर पाते रहने के लिए जरूरी है कि पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर यानी कि 1 मार्च से पहले यानी कि 1 मार्च तक जो है हर हाल में जमा कर दें। बता दें कि आमतौर पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख हर साल 30 नवंबर होती है, लेकिन सरकारी पेंशन भोगियों को यह बड़ी राहत देते हुए इस साल 2 बार तारीख में बढ़ोतरी की गई है। अगर समय सीमा से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो पेंशन रुक जाएगी। ऐसे में आप घर बैठे भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिजिटली जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करना होगा। डिजिटल पेमेंट में दिखेगा बदलाव। RBI ने डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। प्रॉपर्टी QR कोड का इस्तेमाल करने वाले एक या फिर अधिक इंटर ऑपरेबल QR कोड की ओर स्थानांतरित होंगे। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक पूरी होनी है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी PSO किसी भुगतान लेनदान के लिए नया प्रॉपर्टी कोड शुरू नहीं करेगा। LPG सिलेंडर के दाम में हो सकती है बढ़ोतरी या फिर स्थिर रह सकता है। गौरतलब है कि हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत तय होती है। चूँकि गैस के दाम सीधे आम आदमी की रसोई से जुड़ा है तो लोगों को नज़र इस पर सबसे ज़्यादा रहती है। हाल के कई महीनों में रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में 1 मार्च 2022 को इसकी कीमत में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 1 मार्च को सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होता है या नहीं, या फिर उसके दाम स्थिर रहते हैं। मीडिया में चल रही खबरों की अगर हम माने तो 10 मार्च के बाद 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है गैस के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो ये थे 1 मार्च से होने वाले बदलाव। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।